भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जिंदाबाद। आज अंबिकापुर विकास यात्रा का ये चरण 12 तारीख को 12 मई से दंतेवाड़ा से चलकर अंबिकापुर तक की यात्रा, माँ दंतेश्वरी की दर्शन और यहाँ महामाया का आशीर्वाद, करीब करीब 56 विधानसभा की यात्रा, और इस यात्रा का एक एक पड़ाव यादगार, अद्भुत स्वागत चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में छत्तीसगढ़ की जनता ने जो स्वागत किया वो जीवन भर याद रहेगा। और आज तो अंबिकापुर वालों ने एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा अभूतपूर्व स्वागत, ऐसा जोश खरोश मैंने आज तक 15-20-25 साल की राजनीतिक यात्रा में अंबिकापुर में पहली बार देख रहा हूं। बधाई है, बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्या जोश खरोश, युवक ना जाने 5,000-10,000 कितनी मोटरसाइकिल का कारवा लिए, युवा मोर्चा के लोग नारे लगा रहे थे, कितनी बड़ी संख्या में किसान, मेरी माताएं, बहनें, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मगर शहर में प्रवेश के साथ जीवन में पहली बार 3 स्तरीय मैंने स्वागत देखा। एक जमीन पे स्वागत हो रहा था, एक दुकान से हो रहा था, और तीसरा छत से हो रहा था। त्रिस्तरीय पहली बार स्वागत देखा ये सरगुजा वालों ने देखा। मुझे लगता है कि सरगुजा क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने घर में रहा हो। अंबिकापुर तो पूरा उमड़ गया था, पर आज मैं देख रहा हूँ 1,50,000 पता नहीं कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग बाहर हैं, इसका गिनती करना डॉक्टर रमन के बूते की बाहर की चीज है। आपके प्रेम का कोई तौल नहीं है, आपके प्रेम का कोई मोल नहीं है, और आपने जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया मैं जीवन भर याद रखूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा उत्साह, आज हमारा सौभाग्य कि देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज सरगुजा की इस पवित्र नगरी पे आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि माँ अंबिका के नाम से अंबिकापुर शहर, और आज ये यश जाता है क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारा सौभाग्य कि छत्तीसगढ़ का मस्तिष्क यदि है वो मस्तिष्क है सरगुजा, और उस मस्तिष्क पर अपने शुभ हाथ से तिलक लगाने आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, इसमें हमारे बीच मौजूद हैं। और एक ऐसा कर्मयोगी जिसने अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपनी त्याग से इस हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष आज सरगुजा आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास का नक्शा बदल दिया, जिनके कुशल नेतृत्व में आश्चर्यजनक तरीके से 50 साल की उम्र में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सदस्य संख्या, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा विधायक, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदुस्तान के नक्शे में 75% हिस्से में यदि कमल खिलाने की ताकत है तो माननीय अमित शाह के हाथ में है, इनके हाथ से। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने 50 साल की उम्र में 40 चुनाव लड़े, आज तक कोई चुनाव नहीं हारा, 5 विधानसभा लड़े, पहला विधानसभा 25,000 से, फिर 1,00,000 से, 1,50,000 से, 2,00,000 से, 2,50,000 से, हर बार वोट बढ़ता गया। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने मोदी जी के, अडवाणी जी के, अटल जी के चुनाव के संचालन की भूमिका निभाई है। ऐसा कुशल नेतृत्वकर्ता जिन्होंने जेल यात्रा भी की, संघर्ष भी किया, प्रताड़ना भी झेली,
जितना प्रताड़ित किया कांग्रेस ने उतने ही मजबूती के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में कोई नाम उभर के आता है माननीय अमित शाह जी का। न डरे न रुके, अपनी हिम्मत और अपने हौसले से आज पूरे छत्तीसगढ़ में 20 राज्यों में सरकार बनाने वाले, देश के अंदर एक विकास की नई गाथा लिखने वाले अमित शाह जी का मैं स्वागत करता हूं। 4 साल की हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के 14 साल की विकास यात्रा में निकले हैं। 1700 करोड़ का बोनस बांटने यदि हम निकले हैं छत्तीसगढ़ में, आज एक बटन दबाएंगे सरगुजा के सारे किसानों के खाते में, आप घर नहीं पहुंचेंगे, आपके खाते में बोनस पहुंच जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। 700 करोड़ का बोनस तेंदुपत्ता संग्राहकों को देने के लिए निकले हैं। ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनी है और इस सरकार के विकास यात्रा में आज हम चले हैं गांव-गांव में जाके। कांग्रेस के मित्र इस विकास यात्रा का विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी 50-60 साल की राजनीतिक यात्रा में सरगुजा के लोग जो कनकी खाते थे, कुटकी खाते थे, कंदमूल खाते थे, अकाल से इनकी मौत हो जाती थी, क्या सरगुजा के वासियों आज 1-1.5 लाख लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी 60 साल में 1 रुपया किलो चावल दिया था? इधर वाले नहीं बता पा रहे हैं क्या बात है। क्या कांग्रेस ने 60 साल में कभी 1 रुपया किलो चावल दिया था? क्या कांग्रेस ने कभी दवाई के लिए, इलाज के लिए 5,000, 7,000, 10,000 की बीमा कभी की थी? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 50,000 का स्मार्ट कार्ड, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जिनके राशन कार्ड बने, स्मार्ट कार्ड बने हैं, दोनों हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोगों के स्मार्ट कार्ड बने हैं, कितने लोगों के स्मार्ट कार्ड बने हैं। कांग्रेस के साथी देख ले, विकास ये है, गरीबों के लिए 50,000 की इलाज की व्यवस्था, गरीबों के लिए भरपेट भोजन के लिए 1 रुपया किलो चावल की व्यवस्था, इस व्यवस्थाओं के साथ ये छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। ये कांग्रेस नारे लगाते रहे, गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे, गरीब और गरीब होता गया, गरीबी की हालत और खराब हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 4 साल में एक नया इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ में 36 लाख महतारी हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला में उनके लिए गैस सिलेंडर और चूल्हा देने की योजना, 7 लाख से ज़्यादा आवास, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 2022 तक कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसका घर पक्का ना हो जाए। 1.5 लाख के मकान बन रहे हैं भाइयों, 1.5 लाख के मकान, ये इतिहास कोई नहीं रह सकता। ये कर्मयोगी नरेंद्र मोदी जिसने दुनिया के इतिहास में बता दिया गांव, गरीब और किसान के लिए क्या काम हो सकता है। किसानों को बोनस देने की व्यवस्था, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता बोनस, ये माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है। हम ये सब काम कर पा रहे हैं, हम इन कामों के और तेजी से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज सरगुजा में विकास कामों का मैं श्रृंखला देख रहा था, उन योजनाओं को देख रहा था, सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का आज भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। किसानों के लिए 0% में ब्याज में देने का, सरगुजा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। ये कांग्रेस के शासनकाल में कभी सरगुजा को ध्यान नहीं दिया गया, सरगुजा का मेडिकल कॉलेज खुलता है जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है, आप गवाह। सैनिक स्कूल खुलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, सरगुजा के रोड कनेक्टिविटी में 3,000-4,000 करोड़ की सड़कों का काम। और एक बात और मैं बोल देना चाहता हूं, इस सरगुजा 7 जिले के लोग आए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, अमित शाह जी ने कह दिया है, डॉक्टर रमन तुम मुख्यमंत्री हो तो एक काम जरूर करो कि पूरा सरगुजा के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में कोई घर नहीं बचना चाहिए जिसके घर में बिजली का कनेक्शन ना दे दिया गया हो। 4 महीने में हर घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाए, हर पारा टोले मंजरे में हम बिजली लगा के दिखाएंगे। 4 महीने के अंदर कोई ऐसा पारा टोला मंजरा नहीं बचेगा जिसके घर के सामने, जिसके पास बिजली का कनेक्शन ना हो जाए। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है, आपसे वादा जो किया था उस वादा को 100% किया। इसलिए विकास यात्रा में जो अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है,
उसकी वजह है माननीय हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो कायाकल्प सरकार ने किया है, जो विकास की गंगा जो बही है, चार साल में जिस प्रकार इस देश के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, जिस प्रकार अधोसंरचना में निर्माण हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाओं को हमने लागू किया है, महिलाओं के लिए योजना लागू किया है। एक योजना हम बहुत बड़ी लेके इस सभा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो योजना ऐसे अभूतपूर्व है, मेरी बहनें आई हैं बहुत बड़ी संख्या में, मेरे युवा साथी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए 6000 किलोमीटर केबल लाइन बिछा रहे हैं, 6000 किलोमीटर, 9000 पंचायत में इंटरनेट के कनेक्टिविटी देंगे। और स्काई योजना में जितनी मेरी बहनें हैं युवा साथी हैं, 50 लाख स्मार्टफोन देने वाले हैं, 50 लाख। जब स्मार्टफोन मिल जाएगा, यहाँ बैठी हुई मेरी बहनें मेरी माताएं, ऐसा उनको फोन हो जाएगा स्मार्टफोन कि बीकापुर से बैठकर गांव में बैठकर स्मार्टफोन से मुख्यमंत्री को हेलो हेलो कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। ऐसी योजनाओं का जाल बिछाने का काम गांव, गरीब और किसानों के लिए प्राथमिकता के साथ हमने किया है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, एयर कनेक्टिविटी हम देने जा रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी में आपका जिला जुड़ा है, और सरगुजा वालों को अब हवाई जहाज़ की यात्रा का भी सफ़र, यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, ये उड़ान के माध्यम से हम करने वाले। शानदार सड़क, शानदार रोड को जाल बिछाने का, 1 रुपया किलो चावल से शुरू करके योजना को 50,000 तक इलाज की व्यवस्था तक पहुंचाने का काम, ये हमारे गरीबी की। और अंबिकापुर शहरवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में यदि सबसे साफ सुथरा कोई शहर है, अंबिकापुर एक नंबर में हिंदुस्तान का स्वच्छ शहर का घोषित। ये है आपका पुरुषार्थ, ये है आपकी इच्छा शक्ति। जिन योजनाओं का आज निराकरण किया गया, जितने पट्टे का वितरण हुआ, उन योजनाओं के साथ साथ मैं एक योजना और बताना चाहता हूँ, जिस योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और हम सब ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, छत्तीसगढ़ गरीब राज्य है, 45% से ज़्यादा लोग BPL गरीबी सीमा के नीचे हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना बनाए कि हमारे गरीब के परिवार को, व्यक्ति को दिल की बीमारी हो जाती है, बाईपास करना पड़ता है, किडनी उसका फेल हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लीवर खराब हो जाता है, लीवर की बीमारी के लिए लाखों रुपया खर्च करने पड़ते हैं, कैंसर हो जाता है, उसका घर बिक जाता है, उसका पूरा जमीन बिक जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा चिंता मत करो डॉक्टर रमन, यदि जा रहे हो विकास यात्रा में, जनता को बता दो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के 37 लाख से ज़्यादा परिवार को आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था होगी, 5 लाख तक की व्यवस्था। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रधानमंत्री जी के ताली बजा के 5 लाख के आयुष्मान भारत के लिए धन्यवाद तो दीजिए, ये संदेश दिल्ली तक जाएगा, ये तालियों की आवाज दिल्ली तक जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया, अविस्मरणीय निर्णय लिया, एक नया इतिहास रचा, और एक इतिहास रचने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हम सब के बीच सौभाग्य से हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गांव गांव के कार्यकर्ता को, बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत दी। आज विकास यात्रा की रैली में दिख रहा था, छोटा हो बड़ा कार्यकर्ता हो, होटल वाला हो, रिक्शा वाला हो, पान ठेला वाला हो, सबके सब का आशीर्वाद जिस प्रकार से आ रहा है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर, एक भारतीय जनता पार्टी का विकास। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में यूपी में सरकार बनाना, यूपी में सरकार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के 20 राज्यों में हम सरकार बना के आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मुझे आज इस अवसर पे माननीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूँ जो शायद छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश के स्कूली बच्चों की
शैक्षणिक गुणवत्ता में शिक्षा कर्मियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किंतु नियमित शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुविधाओं में काफ़ी अंतर था। इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन कर अनुशंसाएं देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति ने अध्ययन और विचार विमर्श के उपरांत 8 जून को अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपी है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में घोषणा करता हूं, प्रदेश के शिक्षा कर्मियों का सविलियन किया जाएगा। एक बार और ताली बजा दीजिए थोड़ा। इसके लिए शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक लेकर इस निर्णय का क्रियान्वयन करेंगे। धन्यवाद।